महाराष्ट्र की राजनीति में रातों रात एक बड़ा उलटफेर हुआ है और उसके बाद से लगातार राजनीतिक तस्वीर बदलती जा रही है। आज सुबह बीजेपी और एनसीपी का एक फैक्शन जो अजीत पवार के साथ कुछ विधायक थे वो पहुंचे राजभवन और देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया और शपथ दिलाया गया और साथ ही अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद का शपथ दिलाया गया। और उसके बाद लगातार सियासी हलचल तेज हो गई है और उसके बाद शिवसेना और एनसीपी जो शरद पवार एनसीपी के नेता हैं उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और ये कहा गया कि आज सुबह गलत तरीके से अजीत पवार कुछ विधायकों को बरगला कर राजभवन ले गए और वहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की गई कि एनसीपी का एक बड़ा धरा जो है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। और उसके साथ ही शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जो विधायक अजीत पवार के साथ राजभवन गए थे उनमें से दो तीन विधायकों की परेड करवाई और ये दिखाने की कोशिश की गई कि जो 8 से 10 लोग जो बताए जा रहे हैं कि अजीत पवार के साथ राजभवन गए थे उनमें से 3 लोग वापस आ गए हैं। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। अहमद पटेल ने ये कहा कि उनके पास नंबर है, कांग्रेस के सारे विधायक इंटैक्ट हैं और कहीं ना कहीं जो फ्लो टेस्ट है उसमें कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी मिलकर जो सरकार है उसको फ्लो टेस्ट में हराएगी। लगातार महाराष्ट्र के अंदर सियासी जो है तस्वीरें बदलती जा रही हैं। हालांकि जिस तरह से गवर्नर ने आज सुबह सबसे पहले 6:30 बजे के करीब जो है राष्ट्रपति शासन हटाने की खबर आई और उसके बाद गवर्नर ने 8 बजते देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को वहां मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी, उसको लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सेंध लगी है एनसीपी में, ये एक बड़ा सवाल उठता है कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना क्या अभी भी उनके पास बहुमत का आंकड़ा है। हालांकि शरद पवार की तरफ से कहा गया कि 170 विधायक कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के साथ थे जिनमें से कुछ विधायकों को बरगला कर अजीत पवार राजभवन ले गए थे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है अजीत पवार खेमे की तरफ से कि 22 एनसीपी के विधायक का समर्थन उनको प्राप्त है, लेकिन शरद पवार लगातार कह रहे हैं कि वो उनके पास बहुमत के जो विधायक हैं ज़्यादातर विधायक एनसीपी के उनके साथ हैं और कहीं ना कहीं जो फ्लो टेस्ट है उस फ्लो टेस्ट में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना मिलके देवेंद्र फडणवीस की सरकार को हराएगी। कैमरामैन रफी के साथ अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।